बात करते नजर आ रहे हैं और उनकी शॉर्ट बॉल वाली प्रॉब्लम को ठीक किया जा रहा है। यहाँ पर उनको ज्यादातर नेट सेशन के दौरान शॉर्ट बॉल कराए जा रहे हैं। खुद हेड कोच राहुल द्रविड़ उनको शॉर्ट बॉल करा रहे हैं और उनके लिए फील्डिंग भी सेट की गई है बाउंड्री लाइन पर। वह शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट खेलने जा रहे हैं और उनको बाउंड्री लाइन पर कैच आउट ना हो उसके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा समेत टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों का नेट सेशन शुरू होने वाला है। सबसे पहले टीम मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर की यही प्रॉब्लम पर काम करती नजर आ रही है। मुंबई में अभी तक जितने मुकाबले हुए हैं उनमें ज्यादातर तेज गेंदबाजों का ही दबदबा रहा है। तेज गेंदबाजों ने ज्यादातर विकेट चटकाए हैं और यहाँ पर पिच में काफी अच्छा बाउंस भी मिलता है। श्रेयस अय्यर को उस बाउंस से निपटने के लिए इस प्रैक्टिस सेशन में ज्यादातर प्रैक्टिस कराई जा रही है। दोस्तों वहीं टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी नेट सेशन शुरू करने वाले हैं। शुभमन गिल प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुभमन गिल का भी यहां पर अच्छा फॉर्म देखने को मिल सकता है। कल बड़ी पारी उनसे भी उम्मीद रहेगी। रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर समेत बाकी खिलाड़ी भी बगल वाले नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा भी जल्द ही अपनी नेट प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। कल यह मुकाबला काफी इंपोर्टेंट है कई मायनों में। कई बल्लेबाजों को यहां पर परफॉर्म करना जरूरी है, नहीं तो टीम में जगह भी उनकी जा सकती है। हार्दिक पांड्या टीम के साथ जुड़ चुके हैं और जब भी वह चाहेंगे मुकाबला खेल सकते हैं क्योंकि टीम के वाइस कैप्टन हैं। अभी टीम मैनेजमेंट उनको रेस्ट दे रही है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका अभी तक वर्ल्ड कप